जब मैं उस दिन घर गया तो मुझे उसका मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था, कॉल पे बात हो सकती है। मैंने भी सोचा कि लास्ट मौका देते हैं, एक बार कॉल पे बात कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या बोलती है। थोड़े देर में मैंने मैसेज किया कि हाँ कॉल करो। तुरंत मैसेज सीन करते ही उसका कॉल आया। ठाकर बोलती है कि अंकित, आज जो तुमने किया मुझे बहुत खराब लगा और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने भी बोला कि तुमने भी जो उस दिन किया था, मूवी देखने गई थी, ये बताओ वो किस एंगल से सही था, तुम भी तो बता सकती थी और तुमको आइडिया भी नहीं है तुम्हें जितना बुरा लगा ना, उसका 10x बुरा मुझे उस दिन लगा था। तो वो कहती है, मैं जानती हूँ उसके लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ, लेकिन छोड़ो अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं बोला हाँ, बोलने के लिए कुछ होगा तभी तो बोलोगी। तो मुझे कहती है, अंकित तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, तुमको नहीं लगता मुझे कभी कभी बहुत खराब भी लगता होगा। मैं बोला बिल्कुल लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम जो जिस तरह से मुझे धोखा दी थी ना, उतना तो मैं डिजर्व कभी भी नहीं करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उस दिन हमारी कॉल पे बहुत बातें हुई थी, मैंने उसे बहुत भला बुरा बोला था, फिर लास्ट मैंने फोन काट दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ, जो इंसान इंस्टाग्राम पे इतना स्टोरी डालता था और हमेशा एक्टिव रहती थी, ठीक है, वो 3 दिन से एक भी स्टोरी नहीं। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है, मैं बोला चलो जो भी हुआ है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती होगी इसलिए नहीं डाल रही होगी। 3 दिन के बाद मुझे उसका कॉल आता उसके नंबर से। मैं मतलब कंफ्यूज था, उठाऊ की नहीं उठाऊ, फिर मैंने उठा दिया। कॉल उठा के मैंने हेलो बोला ही, तभी उधर से उसकी मम्मी बोलती है, हेलो अंकित। मैं बोला हाँ, उसकी मम्मी मेरे को जानती है, आप तो जानते ही हो। तो मुझे बोलती है कि अंकित तुमसे एक बात करनी थी, तुम प्लीज उसको बताना मत, ठीक है, मैं उसका नाम लेके बोली, उसको बताना मत। मैं बोला भी हाँ बोली। तो कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है क्या? तो मैं मतलब बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी मम्मी को पता, लेकिन पूरा बात क्या है उसे उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मैं बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर कहती है, देखना पता नहीं उसको क्या हुआ है, कुछ खा पी नहीं रही है, पता नहीं कुछ चीज में उसका मन नहीं लग रहा है। मैं बोला नहीं आंटी, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट मैंने उसको बोला है कि अभी एग्जाम आ रहे हैं तो हम लोग बातचीत वगैरह नहीं करते, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते। तो आंटी ने बोला कि हाँ ये चीज तो तुमने सही किया। उसके बाद ये बोलकर मैं कॉल कट कर देता। फिर मुझे भी टेंशन होने लगी, तो मैंने उसको मैसेज किया कि तुम खा पी नहीं रही हो क्या? वो देखा कि सिंगल टिक गया, 3-4 दिन हो गए उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, सिंगल टिक की है। तो मैंने सोचा एक बार कॉल कर लेता हूँ, पर मैंने कॉल नहीं किया। कुछ दिन के बाद मुझे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, तो मैंने कॉल रिसीव किया। तो वो बोलती है, तुझे पता है वो कहाँ है? मैं बोला कहाँ? तो कहती है हॉस्पिटल में। और मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ सुन के। मैं बोला अचानक क्या हो गया? तो उसकी डोज बोलती है, मुझे भी पता नहीं, अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल आई हूँ, तो एक काम कर तू भी हॉस्पिटल आ जा। तो मैंने बिना कुछ सोचे फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंच के मैंने कॉल किया उसके फ्रेंड को जिसने मुझे कॉल करके बताया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास उसे खोजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं पूरे हॉस्पिटल में खोजने लगा, मुझे वो नहीं मिली। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा उसके पापा खड़े, मैं समझ गया अगल बगल ही होगी कहीं। मैं आगे जा ही रहा था तो मैंने देखा बेड पे सोई हुई है, बेहोश थी। सामने गया तो उसकी मम्मी बैठी हुई थी और उसका कोई भाई या पता नहीं कौन था वो बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे आंटी से पूछा कि आंटी क्या हुआ? तो बोली पता नहीं, तुमको कॉल किया था ना उस दिन, तो मैंने पूछा कि तुम लोग के बीच में कुछ हुआ है क्या, तो तुमने भी बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्या हुआ, खा पी नहीं रही थी, डॉक्टर भी बोल रहा था, सबको इसको बोल भी रहा था कि कमजोरी आ जाएगा, लेकिन समझ नहीं रही थी, अब देखो हॉस्पिटल में आ गई है। मैं बोला पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे भी बात नहीं हो रहा था अभी बीच में, मैंने बोला था पढ़ाई को लेकर ऐसा ऐसा चीज। तो मैंने फिर आंटी से पूछा भी कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी वो इंजेक्शन दिए हैं उसके वजह से बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, पर पूरी वीक है अंदर से, और पानी चढ़ रहा था मैंने देखा, मुझे देखकर बिल्कुल खराब लग रहा था, पर मैं क्या कर सकता। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो वो चली गई, उसको वो सोई हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हाल बना लियो अपना। अब मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, वो तो होश में आएगी तभी मुझे बताएगी। जब मैं बोल रहा था तो हल्का सा उसका हैंड मूवमेंट होता है, मुझे लगा होश में आ रही है, मैं बहुत खुश हुआ, धीरे से करके आंख खोली, मैंने पूछा क्या हाल बना लियो अपना। कहती है तुम यहाँ पे? तो मैंने भी उसको बोला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो तुम यहाँ पे क्या हाल बना लियो अपना ये बताओ, और ऐसा क्या मजबूरी आ गया था, तुम खा पी नहीं रही थी और इतना था तो एक बार मुझे कॉल कर लिए होते। तो कहती है तुमने ही तो बोला था कॉल मत करना दोबारा मुझे। मैं बोला बोला था, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि ब्रह्मा जी का लकीर लिख दिया था कि दोबारा कॉल मत करना मुझे। कहती वो कुछ भी हो तुम यहाँ क्यों आए, मुझे मरने दिए होते। मैं बोला कोई मरता नहीं इतना जल्दी। मैं बोला देखो तुम भी बहुत कमजोर हो और तुम ये सब लड़ने के मूड में नहीं हो, तो प्लीज बहस मत करो और अपना ख्याल रखो यार, ऐसे क्यों कर रही हो ये बताओ। और अभी कुछ महीने में बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ महीने क्या अगले महीने में हमारे बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बताओ कैसे करोगी। तो कहती है मेरा टेंशन मत लो तुम, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी, अपना देखो तुम। मैं बोला ठीक है, अभी बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एटलीस्ट अपना ध्यान तो रखो और देखो टाइम से खाया पिया करो, मुझे पता है तुम पहले भी नहीं खाती थी और अभी तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होगा। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही रिलेटेबल लगती होगी, अगर लगती होगी तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये फुल वीडियो नहीं है, फुल वीडियो बहुत जल्द आएगा, कुछ कुछ पार्ट्स है जो पार्ट्स कट करके आएगा, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि वो मेरे साथ अभी है कि नहीं है,
मेरा जवाब है, ज़्यादातर लोगों को जो पता है नहीं है मेरे साथ अभी वो, और अभी मेरे साथ कोई और है।